और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में एक और मुठभेड़ हुई है, पुलिस मुठभेड़ में शूटर उस्मान मारा गया। आरोप दरअसल ये है कि उमेश पाल पर पहली गोली उस्मान ने ही चलाई थी, यानी कि उमेश पाल पर जिस शख्स ने गोली चलाई थी उसके साथ क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी? देखिए, शूटर उस्मान चौधरी की मौत हो चुकी है, एनकाउंटर में वो मारा गया है। अब प्रयागराज की क्राइम ब्रांच टीम को मालूम चला था, उनको जो इनपुट मिला था कि प्रयागराज के ही कोंदियारा इलाका, यानी जो प्रयागराज का काफी इंटीरियर था शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर उस्मान चौधरी छिपा हुआ है। उस्मान चौधरी वो शख्स है जिसने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। और उसके बाद प्रयागराज की टीम कोंदियारा इलाके में पहुंचती है, उस्मान के साथ एनकाउंटर होता है, क्योंकि उस्मान पहले फायरिंग करता है पुलिस टीम पर। उसके बाद पुलिस टीम जवाबी कार्रवाई करती है तो उसमें उस्मान को गोली लगती है। जब उस्मान को नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां पर डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड बताया। तो 50,000 का इनामी बदमाश उस्मान चौधरी, जिसने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी, उसकी एनकाउंटर में मौत हो गई है। जी अमित, ये कितने बजे की घटना फिलहाल जो है बताई जा रही है, कब ये घटना हुई और किस लोकेशन पे ये घटना हुई थी? देखिए, प्रयागराज का कोंदियारा इलाका है, उस लोकेशन पे वहीं पर ये एनकाउंटर हुआ है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वहीं पर उस्मान चौधरी छिपा हुआ है और उस्मान चौधरी वो शख्स है जिसने पहली गोली चलाई थी उमेश पाल पर। और पूरे वारदात की अगर सीसीटीवी विजुअल्स हम देखें तो उस्मान चौधरी उसमें साफ तरीके से दिख रहा है। तो क्राइम ब्रांच की टीम को जैसे ही इनपुट मिला कि उस्मान चौधरी कोंदियारे इलाके में छिपा हुआ, तो क्राइम ब्रांच की टीम वहां दबिश देने गई, गिरफ्तार करने के लिए गई थी उस्मान चौधरी को। लेकिन उस्मान चौधरी की तरफ से पुलिस टीम पर पहले फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उस्मान चौधरी को लगी। उसके बाद उस्मान को नजदीकी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर उस्मान को डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड बता दिया है, यानी पुलिस एनकाउंटर में उस्मान चौधरी की मौत हो गई है। 50,000 का इनाम भी शासन के तरफ से उस्मान चौधरी पर रखा गया था। प्रयागराज की टीम लगातार प्रयागराज पुलिस लगातार जो है पूर्वांचल के अलग अलग इलाकों में रेड कर रही थी, यूपीएससी अब लगातार रेड कर रही थी, किसी भी तरीके से वो बदमाशों तक पहुंचना चाहती थी। ऐसे में जो भी इनपुट प्रयागराज पुलिस को मिल रहा है वो तुरंत वहां दबिश करते हैं। ऐसे में जब आज अर्ली मॉर्निंग जब उन्हें इनपुट मिला कि वहां पर उस्मान छिपा हुआ है कोंदियारे इलाके में, पुलिस की टीम गई वहां पर रेड करने के लिए। और जब उस्मान को डर सताया, उसने पुलिस टीम पर भागने के लिए पहले फायरिंग की और उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई पुलिस की टीम ने की है तो उस्मान उसमें ढेर हो गया। जी ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दें कि उमेश पाल पर जिस शख्स ने सबसे पहली गोली चलाई थी उस शख्स की मौत हो गई है, उसका एनकाउंटर हुआ है। सबसे पहले घायल हुआ था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमित सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, और क्या जानकारी उस्मान चौधरी के ऊपर और कौन कौन से पहले भी, क्योंकि कई मुकदमे दर्ज रह चुके हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए कि आखिर उमेश पाल के ऊपर और कौन कौन से पहले से मामले दर्ज थे? देखिए, उस्मान चौधरी पर पहले भी मुकदमे दर्ज थे और वो अतीक अहमद गैंग का एक बड़ा गुर्गा बताया जाता था, उनका शार्प शूटर था अतीक अहमद गैंग का। जाहिर तौर पे लगातार यूपी पुलिस और जो एसटीएफ की टीम है उसके रडार पर उस्मान चौधरी था। ऐसे में जब उमेश पाल हत्याकांड होता है और जो सीसीटीवी विजुअल्स निकल कर सामने आता है उसमें देखा जाता है कि किस तरीके से उस्मान चौधरी पहली गोली चलाता है और इस पूरे शूटआउट को लीड कर रहा था अरशद, जो कि अतीक अहमद का बेटा था। तो ऐसे में पुलिस की टीम जब उस्मान चौधरी की शिनाख्त होती है, उसके बाद उसकी दबिश दी जाती है, लगातार उस्मान चौधरी को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम भी रखा जाता है। ऐसे में जब पुलिस की टीम को ये मालूम चला कि कोंदियारे इलाके में उस्मान चौधरी मौजूद है तो वहां पर पुलिस की टीम जाती है और एनकाउंटर में ढेर होता है। जी ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिएगा, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शूटर उस्मान चौधरी मारा गया, एनकाउंटर हुआ, प्रयागराज में एक और शूटर ढेर।